हेलो दोस्तों, पोकेवैक्स हिंदी में तुम सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आज का टाइटल और थंबनेल पढ़ के पता ही कर लिया होगा कि कौन सा वीडियो होने। चल बता, आज का टॉपिक क्या होने वाला है पोकेवैक्स? हाँ रे, रुक रे बाबा, बता रहा हूँ ना यार, पब्लिक को तो आने दे भाई, सबको आने दे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि क्या एश एक बेस्ट पोकेमोन ट्रेनर है क्या? क्या 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 ऐश एक बेस्ट पोकेमोन ट्रेनर है? तो पूरी बात सुन तो ले यार, मैं बोल नहीं रहा कि ऐश एक बेस्ट पोकेमोन ट्रेनर है। अब मेरे को एक्सप्लेन करने दे, ठीक है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में मेरे पास कुछ फैक्ट्स है, जैसे थियरीज भी बोल सकते हो उसको, फैन मेड थियरी, सेल्फ मेड थियरी, जो भी बोलना है बोल दो यार। तो मैंने इन्हें एनिमे में से ही उठाया है, मतलब ये प्रूवन थियरीज भी हो सकता है, बट उसको मैं सेल्फ खुद के इसमें हो सकता है कि ऐश एक बेस्ट ट्रेनर है। तो आप पूरा वीडियो देखिए अंत तक, ऐसा मेरी इच्छा है कि तुम लोग अंत तक पूरा वीडियो देखो ताकि तुम लोगों को सारे फैक्ट्स पता चल जाए। तो वैक्स आ जा, चल इंट्रो लगा दे और शुरू कर दे चाहे वीडियो। हाँ, इंट्रो लगा देता हूँ। मुझे भी देखना है कि ऐश कैसे बेस्ट ट्रेनर बनता है। तो चलो गाइस शुरू करते। तो दोस्तों, तुम लोगों ने एक सवाल पढ़ा ही होगा कि ऐश क्या ऐश एक बेस्ट पोकेमोन ट्रेनर है या नहीं। तो दोस्तों, चिंता मत करो, आज मैं तुम लोगों का सवाल ठीक करने वाला हूँ। चार फैक्ट्स हैं मेरे पास ऐश के, ऐश एक बेस्ट पोकेमोन ट्रेनर है। तो दोस्तों, तो बिना कोई टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये चारों जो फैक्ट्स हैं वो मेरे ओन फैक्ट्स हैं, या फिर इन्हें लिया गया है एनिमे से। बढ़िए, चलो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, पहला फैक्ट ये कहता है कि ऐश ने अब तक सारे रीजन चुका है और सारे रीजन के सारे जिम बैटल्स जीत चुका है, यानी आठों के आठों जिम बैटल जीत चुका है और सारे रीजन्स में फाइट की हुई है। दोस्तों, तो जो भी रीजन उसने गए वो है इंडिगो, जोटो, होएन, शिनो, यूनोवा और कार्लोस। दोस्तों, ये सारे रीजन में उसने लीग बैटल्स जीते हैं और हर एक रीजन में उसने बेटर पर किया। पर दोस्तों, मैं इस लिस्ट में अलोला को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो अब तक पूरा नहीं हुआ है, यानी उसके सारे एपिसोड अब तक ख़त्म नहीं हुए हैं, तो इस लिस्ट में अलोला इंक्लूड नहीं है। तो दोस्तों, इस चीज़ को यानी सारे सारे जिम्स या फिर इसमें बैटल करने से भाई ऐश शायद से बेस्ट ट्रेनर हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अभी हमारी अगली फैक्ट की तरफ, फैक्ट नंबर टू। दोस्तों, फैक्ट नंबर टू ये कहता है कि ऐश अब तक जितने भी रीजन्स में जा चुका है, उसने बहुत ही बढ़िया दोस्त बनाए हैं, यानी हर एक रीजन में उसके कोई ना कोई दोस्त है। एग्जांपल, ब्रॉक, मिस्टी, डॉन, आयरिस, सरीना, बॉनी, क्लेमेंट और बहुत सब। दोस्तों, सबके नाम तो मैं बता नहीं पाऊँगा। तो दोस्तों, क्या ये चीज़ ऐश को बेस्ट ट्रेनर बना सकती है? हाँ, तो ये बना सकती है उसे। तो इसे हम एक्साइड में रखते हैं और हमारे फैक्ट नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं, यानी हमारे थर्ड फैक्ट की तरफ। दोस्तों, थर्ड फैक्ट ये कहता है कि ऐश ने अब तक बहुत सारे पोकेमोन पकड़े और बहुत ही लॉल पकड़े हैं, यानी जितने भी पोकेमोन पकड़े यार उनको उसने पूछा, यानी कुछ कुछ पोकेमोन को तो ऐश ने पूछा था कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, और पोकेमोन ने हाँ भी बोला था। और उसके बाद वो पोकेमोन बाद में जाके स्ट्रॉन्ग पोकेमोन में विकसित हुआ और ऐश की उसने उस रीजन में बहुत सारी मदद की हुई है। तो दोस्तों, इन तीन फैक्ट्स मिला के तो ऐश को एक बेस्ट पोकेमोन ट्रेनर बनाते हैं। तो भाई लोग, अभी हमारा एक ही फैक्ट बाकी है, तो क्यों ना हम उसकी तरफ भी आगे बढ़े जाए। तो दोस्तों, जो हमारा आखिरी फैक्ट है, यानी जो हमारे आज के वीडियो का आखिरी फैक्ट है, वो है फैक्ट नंबर फोर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और बहुत ही ट्रू फैक्ट है। दोस्तों, इस फैक्ट से ऐश एक बेस्ट पोकेमोन ट्रेनर बनता है, क्योंकि दोस्तों ऐश कभी भी देखो हर एक पोकेमोन को किधर भी रिलीज करने के लिए रेडी होता है, और हर एक ट्रेनर को ऐसा होना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, हमारा एग्जाम्पल हमारे सामने है ग्रेनिंजा। दोस्तों, ग्रेनिंजा ऐश का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है, पर उसने उसे रिलीज कर दिया है। किसके लिए? इसके लिए दोस्तों, आज के चारों फैक्ट्स मेरे को सुन, जितने भी मैंने रिसर्च किए मैंने आपको आज के इस वीडियो में तुम लोगों को बता दिया है। और मेरे हिसाब से ऐश एक
बेस्ट पोकेमोन ट्रेनर बनता है। तो आज का ये वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। यही थे मेरे पास चार फैक्ट्स जो मेरे को आपके साथ शेयर करने थे, जो मैंने शेयर किए। तो दोस्तों, आपको जो भी फैक्ट पसंद आता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपको कौन सा वाला फैक्ट पसंद आता है। अगर सारे पसंद आते हैं तो ऑल लिख देना कमेंट सेक्शन में, मैं समझ जाऊँगा। तो दोस्तों, अगर मेरे सब्सक्राइबर बहुत जीटी हुए तो भाई मैंने अगर किसी मैं सारे कमेंट को रिप्लाई देना पसंद करता हूँ, बट अगर किसी कमेंट को मिस करता हूँ ना तो भाई बुरा। तो वैक्स, क्या तुझे लगता है ऐश एक बेस्ट रनर है, बोल। अरे हाँ, ये सब फैक्ट सुन के मुझे भी लग रहा है कि ऐश बेस्ट पोकेमोन ट्रेनर हो सकता है, यानी है। तो दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। हमारा लाइक है मैं 25 लाइक्स का, जैसे हमेशा होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो है पोकेवैक्स हिंदी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जाते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।